गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने पोटैटो या आलू पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शुगर केन या गन्ना। शुगर केन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है, क्योंकि इससे एक बहुत इम्पॉर्टेंट फूड प्राप्त होता है जो कि है शुगर या शक्कर। शुगर के साथ ही हमें बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स या सहायक उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिसमें कि है सिरप्स हैं, गुड़ हैं, एल्कोहल हैं। विभिन्न प्रकार के उत्पाद हमें शुगर केन से प्राप्त होते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो फूड प्लांट्स में ये लास्ट प्लांट है, बाकी राइस, व्हीट, मेज़, बाजरा, पोटैटो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शुगर केन। शुगर केन के क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि ये है पोएल्स फैमिली से बिलोंग करता है, प्लांटी मैग्नोलियोप्सिडा। ऑर्डर है इसका पोएल्स, फैमिली है पोएसी, जीनस सेकेरम और स्पीशीज़ है ऑफिसिनेरम। जो सामान्य गन्ना अभी हम देखते हैं वो है सेकेरम ऑफिसिनेरम। इसके अलावा जो स्पीशीज़ गन्ने की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है सेकेरम साइंस और सेकेरम बारबेरी। सेकेरम बारबेरी इंडिया में भी, भारत में भी उगाई जाती है। ये थोड़ी पतली होती है साइज़ में। तो ये विभिन्न स्पीशीज़ है शुगर केन की। ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? अगर हम सेकेरम ऑफिसिनेरम की बात करें तो इसकी उत्पत्ति न्यू गिनी में से हुई थी, जो वहाँ पे इसका ओरिजिन है। और सेकेरम साइनेंस की बात करें तो इसकी उत्पत्ति ताइवान एंड साउदर्न चाइना से मानी जाती है। एक जो कम्युनिटी ने जिसको स्प्रेड किया था, अगर न्यू गिनी की बात करें तो वहाँ पे पेपुएंस नामक कम्युनिटी ने इसको स्प्रेड किया था, और ताइवान एंड साउदर्न चाइना में ऑस्ट्रोनेशियंस ने इसे स्प्रेड किया था। ऑस्ट्रोनेशियंस के द्वारा ही यह संसार में दूसरी जगह डोमेस्टिकेटेड मतलब पहुँचा है, और वहीं सबसे पहले ऑस्ट्रोनेशियंस इसे पिग्स को खिलाने में, या डोमेस्टिकेटेड जो पालतू पिग्स होते हैं उनको खिलाने में काम में लेते थे। द स्प्रेड ऑफ बोथ सेकेरम ऑफिसिनेरम एंड सेकेरम साइनेंस इज क्लोजली लिंक्ड टू द माइग्रेशन ऑफ द ऑस्ट्रोनेशियंस पीपल। सेकेरम बारबेरी वॉज ओनली कल्टिवेटेड इन इंडिया आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेरम ऑफिसिनेरम। देखिए, सेकेरम ऑफिसिनेरम के आने के बाद में ही सेकेरम बारबेरी इंडिया में आया। पहले सेकेरम ऑफिसिनेरम आया था। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम तो संसार में, तो हम बता चुके हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो वहीं पे न्यू गिनी या साउदर्न ताइवान वहाँ पे पाया जाता था, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती हुई थी, तो वहाँ यह अधिकांशतः पाया जाता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ इट इज़ ग्रोन चीफली इन उत्तर प्रदेश, बिहार, साउदर्न इंडिया, स्पेशली इन कोयम्बटूर एंड पंजाब। द इंडो गैंगेटिक बेल्ट प्रीवियसली ग्रू मोस्टली थिन केन्स। पहले क्या बोया जाता था, इंडो जो हमारा एक गंगा के बहाव के साथ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे सेकेरम बारबेरी उगाया जाता था, जिसे हम इंडियन केन या थिन केन भी कहते हैं। दीज आर पॉपुलरली नॉन एज इंडियन केन्स, हैव बीन एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ एंड ICAR इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड वर्किंग ऑन द शुगर केन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भारत में यदि शुगर केन की रिसर्च की बात की जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ISR जो लखनऊ में उपस्थित है, वो एक ICAR इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे शुगर केन की रिसर्च की जाती है। और शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, जहाँ पे शुगर केन की बहुत अधिक मात्रा में खेती की जाती है। तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में उपस्थित में है। मॉर्फोलॉजी कि यह प्लांट कैसा दिखाई देता है, तो हम सभी जानते हैं कि यह पोएसी फैमिली से या ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। सो इट इज़ अ लॉन्ग ट्रॉपिकल ग्रास। ये बहुत लॉन्ग एंड लार्ज ट्रॉपिकल ग्रास है, जिसमें कि मल्टीपल स्टेम्स, जो हम मोनोकॉट्स के स्टेम्स को हम कल्ब्स कहते हैं, हम जानते हैं कि कल्ब्स हैं एक नाम है जो मोनोकॉट के स्टेम को दिया जाता है। ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ नोड्स सेपरेटेड बाय इंटरनोड्स, जिसमें कि बहुत सारे नोड्स और इंटरनोड्स की सीक्वेंस पाई जाती है, पर्व और पर्व संधियाँ। लीव्स ऑफ शुगर केन कंसिस्ट ऑफ अ लीफ ब्लेड एंड अ लीफ शीट। सभी मोनोकॉट पादप की जो लीव्स होती है वो एक ही समान की होती है, कि उसमें एक लंबा लीफ ब्लेड पाया जाता है और एक लीफ शीट, जो लीफ के जो लोअर पोर्शन होता है जहाँ पे हम पर्णवृंत या पेटियोल बोलते हैं, वह नहीं पाया जाता। वह नीचे की साइड से भी लीफ पूरा स्टेम को कवर करके रखती है, और यह इतना ज़्यादा कवर करके रखती है कि जो पूरा इंटरनोड या पर्व वाला पोर्शन है वह भी पूरा ढक जाता है लीफ शीथ के द्वारा। लीफ जो होती हैं वो डार्क ग्रीन कलर की होती है, अपर लीफ ज़्यादा ग्रीन होती है, लोअर ग्रीन लीफ जो होती हैं वो ओल्ड होती हैं, तो धीरे धीरे वो ड्राई हो जाती है। शुगर केन हैज़ फाइब्रस रूट्स।
शुगर केन में रेशेदार जड़ पाई जाती है, और रेशेदार जड़ भी दो प्रकार की हो सकती है, एक होती है सेट रूट्स और एक होती है शूट रूट्स। नाम से पता चल रहा है कि शूट रूट्स ऐसी रूट्स होती हैं जो कि शूट से प्रोड्यूस होती हैं, एंड सेट रूट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट प्राइमोर्डिया, जो कि रूट प्राइमोर्डिया से उत्पन्न होती है। तो सेट रूट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रूट प्राइमोर्डिया आफ्टर प्लांटिंग एंड कवरिंग ऑफ केन सेट फ्रॉम द सॉइल। तो जब हम उसको प्लांट करते हैं तो एक बार क्या होता है, जैसे हमने मैंने आपको अगर बताऊंगी मैं आगे इसकी खेती में, हम इसी के स्टेम के पार्ट को ही काम में लेते हैं, जिसको हम ज़मीन में उसको हॉरिजॉन्टली हम उसको लेटा देते हैं, और फिर वहाँ से जो रूट्स निकलती हैं उसको हम सेट रूट्स कहते हैं, जो कि एक तरह से उसको सॉइल में सेट करती है। देन कल्टिवेशन, इसकी खेती कैसे की जाती है, तो इसकी खेती भी एक कायिक जनन के द्वारा की जाती है, इसमें किसी प्रकार के बीजों का उपयोग नहीं किया जाता। इसकी खेती के लिए क्या करते हैं कि जो इसके स्टेम होते हैं, बड़ा सा जो तना होता है शुगर केन का, उसमें जो पुराना जो ओल्ड या मच्योर स्टेम होता है उसके अपर पार्ट के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। दीज कटिंग्स नोन एज सीड, इन्हीं कटिंग्स को हम कहते हैं सीड। दीज आर, क्योंकि इनमें क्या पर्व संध्या पाई जाती है, तो वहाँ से आप जानते हैं स्प्राउटिंग हो सकती है। इन जो सीड्स को हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे खेतों में उसको बो दिया जाता है, और उसके लगभग बोने के लगभग दो सप्ताह के अंदर अंदर इनके जो स्टेम्स होते हैं उसमें स्प्राउटिंग हो जाती है, और स्प्राउटिंग होने के लगभग 10 से 20 महीने के बाद में हम इसकी फसल प्राप्त कर सकते हैं। द स्टेम्स, जब फसल प्राप्त करने के पता चलेगा आपको कि जब एक पर्टिकुलर हाइट के आपके गन्ने की फसल हो गई है, तो उनको जस्ट ज़मीन से पहले स्टेम को काट लिया जाता है, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो वहीं छोड़ दिया जाता है। जो नीचे वाला पोर्शन है जो ज़मीन के अंदर दबा हुआ राइजोम है उसको रटून कहते हैं, और इसी रटून से हम दोबारा से दो या तीन बार जो फसल और अधिक फसलें प्राप्त करते, मतलब दोबारा आपको बोने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक बार शुगर केन को कट कर लिया, आप दोबारा या तिबारा भी उससे फसल प्राप्त कर सकते हैं। तो रटून्स पे क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन, की रटून क्या है, तो रटून इज अ शुगर केन के अंदर जो अंडरग्राउंड स्टेम वाला पार्ट जो कि खेत में छोड़ दिया जाता है नई फसल के लिए, उसे हम कहते हैं रटून। द केन्स आर ब्रॉट टू द शुगर मिल्स बाय रेल रोड और एनी अवेलेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। शुगर केन बनने के बाद में उनको शुगर मिल्स, तो जहाँ पे शक्कर बनती है वहाँ ले जाया जाता है किसी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम के द्वारा। इन इंडिया हार्वेस्टिंग ऑफ शुगर केन इज़ कैरिड आउट 10 to 18 मंथ स्टेज। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस मंथ किस स्टेज पर उसकी हार्वेस्टिंग करें। भारत की बात करें तो 10 से 18 महीने के बीच में उस शुगर केन की फसल प्राप्त कर ली जाती है, डिपेंडिंग ऑन प्लांटिंग टाइम एंड क्रॉप मेच्योरिटी, वो डिपेंड करता है इन दोनों के ऊपर। तो ये बात हुई कल्टीवेशन की। देखिए आप शुगर केन में आप देख पा रहे हैं डायग्राम में इसकी फसल, आप देख रहे हैं कि एक कटिंग से बहुत सारे मल्टीपल स्टेम्स उगे हैं, और ऊपर की साइड में फ्रेश ग्रीन लीव्स हैं और नीचे की साइड में ड्राइड लीव्स होती हैं, और इसी फसल को नीचे ज़मीन के पास से काट लिया जाता है और शेष पोर्शन को ज़मीन के नीचे ही छोड़ दिया जाता है, जिसको हम रटून कहते हैं, और जहाँ से नेक्स्ट फसल प्राप्त की जाती है। और अगर हम कटिंग की बात करें तो इसके तने के अपर पोर्शन को काटा जाता है छोटे छोटे कटिंग्स के रूप में, फिर इनको वापस बो के हम उसके जिनको हम सीड कहते हैं फिर से हम नई फसल प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे हम शुगर केन के यूजेस। शुगर केन इज़ मेनली एन इंडस्ट्रियल क्रॉप एज द केन इज़ सप्लाइड टू शुगर इंडस्ट्री। क्योंकि यह देखिए शुगर केन को हम जानते हैं, गन्ना हम एज सच वेजिटेबल या फिर ऐसे हम बिना रॉ मटेरियल के रूप में हम उससे बहुत कम काम में लेते हैं, ज़्यादा हम काम में नहीं लेते। ठीक है, हम शुगर केन का जूस या गन्ने का रस पी सकते हैं, पर वो भी उसके लिए इतना शुगर केन उसके लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंस है शुगर केन की वो है शुगर। तो शुगर केन इज़ मेनली एन इंडस्ट्रियल क्रॉप एज द केन इज़ सप्लाइड टू शुगर इंडस्ट्री वेयर वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इट्स जूस आर प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग अ सीरीज ऑफ इंडस्ट्री। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि शुगर केन इंडस्ट्री में हम जो जैसे ही शुगर बनाने के लिए जाता है तो वहाँ पे सबसे पहले हम गुड़ बना सकते हैं। गुड़ के अलावा बैगेजेस और मोलासेस दो और इम्पॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट है शुगर केन इंडस्ट्री के। बैगेजेस क्या होते हैं, बैगेजेस इज़ द क्रस्ट केन फाइबर, आपने जब गन्ने का जूस निकालते हुए देखा होगा, तो क्रस्ट केन फाइबर जो गन्ने का बचा हुआ जूस निकलने के बाद में जो पार्ट बचता है उसको हम बैगेजेस कहते हैं, जिसको फ्यूल में काम में लिया जाता है। उसके अलावा फाइबर बोर्ड में, पेपर इंडस्ट्री में, प्लास्टिक एंड परफ्यूराइल, इन सब कई चीज़ों में उसको काम में लिया जाता है, किसको, बैगेजेस को। अब दूसरा पार्ट है मोलासेस। मोलासेस क्या होता है, जब शुगर रिफाइंड शुगर बनाने के लिए जब शुगर केन में जो हम देखते हैं ना कि जो वाइट कलर की शक्कर उसको क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, जब वो हमको प्राप्त हो जाता है
तो उसके बाद जो हम बचता है उसको हम मोलासेस कहते हैं, और मोलासेस का उपयोग हम विभिन्न प्रकार के अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, सिट्रिक एसिड इत्यादि के निर्माण में काम में ले सकते हैं। सो मोलासेस ऑल्सो इज़ यूज एज एन एडिटिव टू फीड ऑफ लाइफ स्टॉक। विभिन्न प्रकार के एनिमल्स को खिलाने में भी मोलासेस को काम में लिया जा सकता है। ग्रीन टॉप्स ऑफ केन आर अ गुड सोर्स ऑफ फॉडर ऑफ आवर कैटल। जो हरी पत्तियाँ होती है केन्स के ऊपर, वो भी कैटल का मुख्य सोर्स है। इट्स रिमेन्स आर गुड मैन्योर इन अल्कलाइन एंड सलाइन सॉइल। और जो बचे हुए जो उसके पार्ट होते हैं पत्ती को, अगर हम एज ए खाद काम में लें तो ये बहुत अच्छी खाद भी बनाती है। तो ये विभिन्न प्रकार के गुड़ हो गया, बैगेजेज हो गया, मोलासेज हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, शक्कर के अलावा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स है शुगर केन इंडस्ट्री के। और अगर हम इम्प्रूव्ड वैरायटी की बात करें तो मैंने बताया था आपको कि इसका जो ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वो कोयम्बटूर में है, और कोयम्बटूर के कारण इसको CO 419, CO 622, CO 712, HM 320 इत्यादि इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ है शुगर केन की। तो आज हमने शुगर केन पढ़ा, अब नेक्स्ट टर्न से हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के ऑयल्स किस किस पादपों से प्राप्त होते हैं। तो आज हमने सारे फूड प्लांट्स कम्प्लीट किए। धन्यवाद।